भारत माता की, जरा खोखरी आवाज काढ़ो। भारत माता की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रणछोड़ भाई फड़दू, हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान वी सतीश जी, मंत्रिमंडल ना सौ साथियों, संसद सदस्य श्रीओ, धारा सभ्य श्रीओ, तालुका पंचायत जिला पंचायत ना आगेवानो, नगरपालिका ना आगेवानो, अने आजे सवार थी विराट संख्या में पधारेल वाला नागरिक भाइयों ने बहनों, सप्टेम्बर महीना में अहमदाबाद में जयरे सद्भावना मिशन ना कार्यक्रम की पूर्णाहुति तेरे मैं जाहरात करी थी कि हूँ दरेक जिल्ला में जाइने आ वात ने वधु वेग आपीश। ऑक्टोबर महीना में मणसा में सद्भावना उपवास कार्यक्रम करने नक्की करू हतु, परंतु अचानक ज अमारा सौना वडील प्रोफेसर मंगलदास पटेल अपनी वच्चे थी विदाय थी गया। ये दुखद घटना असह्य हती। गुजरात विधानसभा ना स्पीकर तरीके, तालुका पंचायत जिला पंचायत ना कर्ता धरता तरीके, पंचायती राज व्यवस्था में अनेक उत्तम कामगीरियों नो केड़ी कंडारी ने प्रोफेसर मंगलदास पटेले हमेशा लोक जीवन ऊपर एक उत्तम छाप छोड़ी छे। एमनी गैरहाजरी में आजे आ उपवास नो कार्यक्रम थई रह्यो छे त्यारे एमनी याद आवी बहुत स्वाभाविक छे। एमनामांथी प्रेरणा लईने आ विस्तारनो निरंतर विकास करता रहिए, सामान्य जननी आकांक्षाओनी पूर्ति करवा प्रयास करता रहिए, अने एमना आशीर्वाद सदा सर्वदा आपने आ काम करवानी शक्ति आपता रहे एवी रीते ईश्वर ने प्रार्थना करूं छु। भाइयों बहनों, हूँ अनेक वर्षों थी जाहिर जीवन में छू, कांग्रेस ना अधिवेशन ने पण एक विद्यार्थी तरीके जिज्ञासु व्यक्ति तरीके उत्सुकता थी जोवा जतो हतो। राजकीय पक्षों ना पण अधिवेशनों जोया छे। आजादी पहला जे अधिवेशनों थता हता, आजादी पहला आवा राजकीय मेळावड़ाओ थता हता, ता एक दृश्य जोवा मळतुं हतुं, जे दृश्य आजादी पछी क्यारे जोवा नहोतुं मळतुं। ए दृश्य आजे कदाच आजादी पछी पहली वार आ माणसानी धरती पर जोवा मळ्युं छे। अने दृश्य छे आ नौजवान मित्रों सवार थी रेंटियो कांती रहा छे। आवु दृश्य आजादी पहला आंदोलन वक्त जोवा मळतुं हतुं। जे के मैं इतिहास वाँचो छे, जे वडीलो पासेथी सांभळ्युं छे, अमारा डॉक्टर द्वारकादास जोशी जे बातों अमने कहता हता, अमे नाना हता,
ये जे सांभळ्युं छे एना आधारे हूँ कहू छू कि आवु दृश्यनु सौभाग्य आजादी पछी क्यारे कोईने मळ्युं नहीं होय। आजे मने ये सौभाग्य मळ्युं छे, आ नौजवान मित्रों ने अभिनंदन आपू छू। उज्ज्वल परंपराओं ने केम जीवती राखवी, केम जागती राखवी, ए समाजनी कसोटी होई छे। आजे सद्भावना उपवासना कार्यक्रम ने एक नवो ओप मळ्यो छे, नवो आवकारो मळ्यो छे, अने एटला माटे हुं आ सौ मित्रों ने खूब खूब अभिनंदन आपू छू। भाइयों बहनों, आज आखा देश में विकास नी बात आवे एटले गुजरात नो उल्लेख थाय थाय ने थाय ज। तमे गुजरात बोलो तो सामे वालो तरत ज एम बोले विकास। गुजरात अने विकास जाने एक सिक्कानी बे बाजू बनी गई छे। हिंदुस्तानना राजकारण दी अंदर गुजरात एक नवो चीलो चात्र्यो छे। भूतकाळ में राजकीय पक्षों चूंटणी में जाए त्यारे एमने क्यारे पांच वर्षना कामनो हिसाब आपवो नहोतो पड़तो। प्रजामां जागृति नहोती, मीडियानु आटलो बधो अस्तित्व नहोतो, विपक्ष नामनी कोई चीज नहोती, एक तरफी बधो हतो, एक ज पार्टी पंचायत थी पार्लामेंट सुधी एक ज पार्टी हती, बीजुं कशुं हतुं ज नहीं। एवी एमने अनुकूलता हती, धार्यु होत तो आ देशनुं एटलुं बधुं भलुं करी शक्या होत, पण एमणे एनो विचार नहोतो कर्यो। अने प्रजा पण आ काम आमनी पासेथी करावानुं छे एवो हिसाब नहोती मांगती। गया दस वर्षमां गुजरात सरकारे विकासने एक एजेंडा बनाव्यो छे, विकासनो मुद्दो बनाव्यो छे, प्रजानी सामे विकास की बात खुलेआम करी छे, अने एना कारणे प्रजा पण विकासना मुद्दे अमारू मूल्यांकन करे छे, अमारी पासे मागणी करे छे। नहीं तो मने याद छे 1985-90 ना गाळा में आपणे त्यां दुष्काळ पड्यो, गामडाना लोको आवेदन पत्र आपता तो शुं आपता था? भूतकाळ में गामडाना लोको आवेदन पत्र आपे तो कयुं आपे के साहेब आ वक्ते राहत कामों आ बाजू अमारी बाजू थाय एवुं कंई करजो, चोकड़ियों खोदावानुं काम अमारी तरफ थाय एवुं करजो, अने चोकड़ियों खोदावो तो जरा अमारे त्यां माटी पथरावानुं रोड पर काम करजो। आजथी 20 वर्ष पहला गुजरातनो नागरिक पोताना गामडे जती पे पगडंडी होय एना पर आजूबाजू चोकड़ियों खोदाय अने एनी माटी पाथरवा माटे सरकार मां विनंती करतो हतो, मोटा मां मोटी करजी अरजी करे तो आवी करतो हतो। आजे आजे उच्छल निजरनो आदिवासी पण आवे छे तो एम कहे छे के साहेब रोड तो सारो छे, स्कूटर लई जवो होय तो ए सरस रोड छे, पाको डामरनो रोड छे, पण साहेब हवे जमानो बदलाणो छे, हवे अमारे पण पेवर रोड जोईए ने, जरा पेवर रोड करी आपो ने। सिंगल पट्टी डबल पट्टी नहीं साहेब, हवे जरा फोर लेन करी आपो ने। सामान्य मानवीनी अपेक्षाओं बदलाई गई गुजरात में, कारण आपणे विकासनो रस्तो पकड्यो। आजे अहींया मने वणजारा परिवारना भाईओ स्वागत करवा आव्या हता, अने एमणे मने एक प्लास्टिक नु रमकड़ू जेसीबी भेट आप्यो। मैं कहूं केम भाई? मने के साहेब
अमारा बाप दादा उन हमें गधाड़ा हाकता था। आ तमारा सरकार नो प्रताप छे कि हमें हवे जेसीबी चलावीए छे अने एटला माटे जेसीबी नी प्रतिकृति आपवा आव्या छे। मित्रों नानी वात नथी, गधाड़ा हाकवा वाला समाज नी पासे आजे जेसीबी होय एनाथी मोटी प्रगति नी वात कही हो। मित्रों हूँ दाहोद जिल्ला में गयो तो दाहोद माथी मने एक फरियाद मळी थाय, एक कॉन्ट्रेक्टर त्यां मळी गया। मैं कहूं केम भाई अहींया, के तमारा कारणे मैं दुखी थई गया। बोलो भाई छापा वाला भाईओ, हाँ एमनु ध्यान गयू तरत ज। पेला कॉन्ट्रेक्टरे मने कह्यु साहेब अमे तमारा कारणे दुखी थई गया। मैं कहूं शुं थयुं भाई, अरे के पहला अमे रोडना कॉन्ट्रेक्ट लेता तो आ दाहोद गोधरा बाजूना मजूरो अमने मळी रहता था, आ तमे विकास ने भी वणझार चलावी छे के अमने मजूरो नथी मळता, मजूरो नथी मळता। कारण अने मैं पछी पूछ्यु भाई मजूरो करे छे शुं, तो भाईओ बहनो मने आश्चर्य अने आनंद थयो के मोटा भागना गईकालना मजूरो आजे लेबर कॉन्ट्रेक्ट लईने कॉन्ट्रेक्टर बनी गया छे, ए पण नाना मोटा मशीनों लावता थई गया छे अने काम पार पाड़ता थई गया छे। भाईओ बहनो गुजरात आ रीते प्रगति करी रह्यु छे, विकास करी रह्यु छे। आ विकासनो लाभ सामान्य मानवीने मळतो थयो छे अने आना परिणामे बन्यु छे कि हिंदुस्तान नी बधी ज सरकारोने आजे मित्रों मने गर्व छे ए वातनो के गुजरात एक एवो चीलो चात्र्यो छे, एक एवो झंडो गाड़ी दीधो छे के हिंदुस्तान नी बधी सरकारों ने एमने पोतानी जनता ने विकास नो हिसाब चुकते आपता करी दीधा छे। आ चूंटणीओ जेटली चाले छे तमे जोयुं छे, चर्चा में बधी सरकारों कहेवा माडी छे मैं आम कर्युं ने मैं आम केम कर्युं। मित्रों मजबूर करी दीधा छे, नहीं तो पहला आनी चर्चा ज नहोती थती। पहला तो जातिवादना जुमखा भेगा करी दो, समीकरणों गोठवी दो, खाम करो ढीगणू करो फलाणू करो, क्या कोई खाम करे, क्या कोई अजगर करे, क्या कोई माय करे, आ तड़जोड़ करवानी, चूंटणी आवेल टुकड़ा फेंकवाना अने वोट बटोरीने बेसी जवानू, आज खेल चालता था। आपणे एमांथी जनता जनार्दन ने बहार काढ़ी छे अने बधी सरकारों ने मजबूर करी छे कि विकास करो भाई, प्रजाना प्रश्नोनुं निराकरण करवा माटे प्रयास करो, प्रामाणिकताथी प्रयास करो। अने दस वर्ष में गुजराते करी बतायू छे। भाईओ बहनों आजे तमे हिंदुस्तान ना कोई पण खूणे जाओ, विदेश जवानुं थतुं होय त्यां जुओ, तमे जेवुं एम कहो कि तमे गुजरात ना छो तो सामे वाळानो व्यवहार बदलाई जाय छे कि नहीं बदलाई जतो। पहला तो आपणे हाथ पकड़े नहीं कोई, गुजराती कहीने के ठीक छे हाथ मळे, अने हवे गुजराती कहता है साथ हाथ छोड़े ज नहीं, पकड़ी राखे बराबर। भाईओ बहनों आ गुजरात ना विकास नी ताकत छे, एक जे नवी नवी परंपरा उभी करी छे एनी ताकत छे। पण आ विकास नो वातावरण बन्यु केवी रीते भाईओ, कया कारणे आ विकास थयो छे? अलग अलग लोको अलग अलग रीते नी बात करता हो। कोई ने लागे भाजपनी सरकार आई एटले विकास थयो, कोई ने लागे मोदी साहब आया एटले विकास थयो, कोई ने लागो कि नहीं नहीं हवे काम करे सरकार एटले विकास थयो, कोई ने लागे नाना मारते मामलतदार सारा आया एटले विकास थयो, कोई ने लागे नाना तलाटी हमें हरखा छे एटले कई काम थयु। बधाने जुदू जुदू लागे, अलग अलग कारणों लागता हशे। पण भाईओ बहनों मूल कारण क्यू है? गुजरात नो जे विकास थयो छे एनुं मूल कारण छे आ 6 करोड़ गुजरातीओ। आप सौ आ विकास आपना कारणे थयो छे, आपनी शक्ति ने कारणे थयो छे, अने ए शक्ति नी पूजा करवा माटे मैं आ सद्भावना उपवास नो अभियान चलाव्यु छे। भाई
जनशक्ति नो साक्षात्कार करवानु अभियान छे। अने कई शक्ति छे, ये कई शक्ति छे कि जेने देश नी अंदर आ गुजरात ना नवा रंग रूप साथे विश्व ने आजी नाख्यू छे। ये शक्ति छे एकतानी, शांतिनी, भाईचारानी, सद्भावनी शक्ति छे। 10 वर्ष गुजराते एक साधना करी छे, नहीं तो आपणे त्यां पहला जातिवादना झेर केवा फैलायेला हता। एक जाति बीजी जाति ने नीचा जोणू थाय एनो एके मोको न जवा दे। खेडूत भाईए काली मजूरी करीने पाक पकव्यो होय अने उभो पाग उपाड़ी जनाराओ टोळा फरता होय, जातियों जोड़ायेली होय, पेलो खेडू बिचारो दुखी दुखी थई जाय। आ प्रकारनो व्यवहार चालतो हतो। आजे 10 वर्ष थया गुजरात में जातिवाद नामनो नामो निशान खत्म थई गयो। मित्रों, नहीं तो खाम चलायेलू खाम, खामना नामे साहेब केवा कच्चर गाण कर्या हता। गुजरात की जनता ने विदाय आपी दी थी का जातिवाद ना झेर अमारे न जोईए। अमे गामना सौ लोग एक बनी ने रहेवा मांगीए छे, अमे तालुकाना लोग एक बनी ने रहेवा मांगीए छे, अमे जिल्लाना लोग राज्यना लोग एक बनी ने रहेवा मांगीए छे। अने एनु परिणाम छे कि विकास नु वातावरण बन्यो। आप विचार करो, चूंटणी नामनी चीज आजकल भल भना ने मुंह में पानी छूटे, एने एम थवा चूंटाई जाइए तो बधु आम आम ने आम। एवे वक्ते आपणे गुजरात में कहीए कि गाम भेगू मळी ने समरस गाम बनावे। अने भाईओ बहनों, 70,000 वोर्ड नी चूंटणी हती, 25,000 करता वधारे वोर्ड में लोकोए सर्वसम्मति थी पोताना प्रतिनिधिओ मूकी दीधा। आज बतावे छे एकतानु दर्शन करावे छे। अने केटलाक लोकोए तो आ न था एना माटेनी आकाश पाताळ एक कर्या था। अर्धी रात्रे जईने फॉर्म भरी आओ, गम्मे तेम करो, 3 वागे फॉर्म भरवानो टाइम पूरो थतो होय, 3 मां 5 कमे जईने कागळियो नाखी आओ, परंतु आ न थवा दो एवा कारसा रचवा वाला लोको हता। तेम छतां 70,000 वोर्ड मांथी 25,000 वोर्ड नी अंदर लोकोए एकताना दर्शन करावी दीधा, समरस बनावी दीधा। मित्रों, हुं आ सौने अभिनंदन आपुं छुं। आ नानी सोनी वात नथी आजना राजकीय जीवन नी अंदर। अरे 261 गामो तो केवा, 261 गामो पुरुषोए कही दीधुं के आ वखते अमारे कोईने उमेदवारी करवी नथी, बधी बहनों ने अमार बनावी छे ने एमने सोंपी देवुं छे। 261 गाममां पुरुषोए पोतानो हक दावो जतो करी दीधो, मात्र ने मात्र बहनों ने सोंपी दीधी। एमां आणंद पासेनुं ते गाम सिसवा गामना गामोना लोकोए बधी ज ग्रेज्युएट दीकरीओने सोंपी दीधुं। बधी दीकरीओ 25-27 वर्षनी उंमरनी छे। आखो गामनो वहीवट एमने सोंपी दीधो। भाईओ बहेनो, आ बदलाव केवी रीते आव्यो छे? नहीं तो आपने खबर छे आजे एक कुटुंब ने बे पेढ़ी भेगा रहेवन तो मुश्किल पड़े। एक काका मामा नो एवो पाके कि एक कुटुंब ना 4-5 टुकड़ा थई गया होय, कुटुंब भेगू न रही सके। अने आपणे जोयुं छे कि कुटुंब ज्यारे अंदर आवो वेरविखेर थाय ए कुटुंब ने आखी प्रगति अटकी जती होय छे। गामनी अंदर एवो एकादो पाके गाम वेरविखेर थई जतुं होय छे। तालुका राज्य नी अंदर पण एवा लोको पाके तो केवी मुसीबतो पैदा करता होय छे ए गुजराते भूतकाळ मां बराबर जोयुं छे। भाईओ, हवे गुजराते नक्की कर्युं छे के अमने बधा तकलीफो पड़ी पण अमारी पेछीनी पेढ़ीने अमारे उत्तम गुजरात आपीने जवुं छे। दरेक मां बापे नक्की कर्युं छे, उत्तम गुजरात बधाने सोंपीने जवुं छे, ए दरेक मां बापनो संकल्प छे। अने एटले बधा मां बापने लागे छे विकास एज मार्ग छे। अने विकासना रस्ते सफळ थवुं हशे तो एनी पहेली शर्त छे एकता, शांति अने भाईचारो।
ગુજરાતે કરી બતાવ્યું છે ભાઈઓ, મારે દુનિયાને ડંકાની ચોટ પર કહેવું છે કે જે ગુજરાતની તમે તારીફ કરો છો, જે ગુજરાતની તમે વાહવાહી કરો છો, જે વિકાસના ગુજરાતના ચારે ખૂણે વિકાસના વખાણ કરો છો, એના મૂળને તમે સમજો, એની પાછળ કયું તાકાત છે એને સમજો, અને એ જો તાકાતને તમે સમજશો તો તમે પણ હિન્દુસ્તાનમાં પછાતમાં પછાત રાજ્ય હશો તો પણ ગુજરાતની જેમ આવતીકાલે જાગ જમાટ સાથે આગળ વધી શકશો. અને તાકાત છે આ ઝેરમાંથી બહાર નીકળો. જાતિવાદનું ઝેર, કોમવાદનું ઝેર, એક જાતિને બીજી જાતિ જોડે લડાવવાની, એક ધર્મને બીજા ધર્મ જોડે લડાવવાનો આ જે કારસા ચાલ્યા છે એણે જ બરબાદી નોતરી છે. ગુજરાતે બધી બહાર આવ્યું છે, પણ આપણે એને વારંવાર યાદ કરવું પડે, દુનિયાને બતાવવું પડે. અને ભાઈઓ બહેનો, મારા શબ્દો લખી રાખજો, હિન્દુસ્તાનમાં જે રાજ્યો પ્રગતિ કરવા માંગે છે, મારા શબ્દો નોંધી લે રાજ્યો, કે તમે પણ તમારા રાજ્યોમાંથી આ જાતિવાદના ઝેર અને કોમવાદના ઝેરમાંથી ઉપર ઉઠો, તમારા રાજ્યમાં પણ પ્રગતિની શરૂઆત થઈ જશે. કામ અઘરું છે પણ કરવા જેવું છે, ગુજરાતે કરી બતાવ્યું છે. આપ જુઓ મિત્રો, એક જમાનો કેવો હતો, કરફ્યુ એટલે જાણે જેમ શનિ રવિ આવતા હોય ને અઠવાડિયામાં, એમ કરફ્યુ આવે આપણે ત્યાં, અઠવાડિક કાર્યક્રમ. અહીં માણસાથી અમદાવાદ જવું હોય તો ટેલિફોન કરીને પૂછવું પડે કે ભાઈ કાલુપુર સુધી બસમાં આવા એવું છે કે પછી વાડજ ઉતરી જઈએ, એવું પૂછવું પડતું હતું. ચિંતા જ રહે. દીકરાના લગ્ન નક્કી કરવાના હોય તો ધર્મશાળા લેવી હોય કે હોલ લેવો હોય તો પૂછે કે ભલે ભર જગન્નાથજીની આ રથયાત્રાની આજુબાજુની તારીખ ના રાખતો, નકા હું કરફ્યુ વર્ફ્યુ આવશે તો ભર રાજો કુંવારો રહી જશે. આ જ ચાલતું હતું ને, છાસ મારે સાહેબ, ચક્કા ચાલ્યા જ હોય, રિક્ષાઓ બાળી જ હોય, ગલ્લા હળગાયા જ હોય, અસ્ત્રા ચલાયા હોય, અને કરફ્યુ. અરે આપણે ત્યાં બાળક જન્મતું હતું ને, તેને મમ્મી બોલતા પહેલા નહોતું આવડતું, પપ્પા બોલતા નહોતું આવડતું, કરફ્યુ બોલતા આવડતું હતું. એ પોતાના કાકાને ના ઓળખે, પોતાના મામાને ના ઓળખે, પોલીસ અંકલને ઓળખે, કારણ સોસાયટીની બહાર મોહલ્લાને બહાર પોલીસ ઊભો જ હોય. બારે મહિના એ જ કામ, બસ ક્યાંક તોફાન રહ્યું દોડો. આ બધું 10 વર્ષ થયા, વિદાય થઈ ગઈ, વિદાય. સુખ શાંતિ, અને એના કારણે આજે ગુજરાત પ્રગતિની ઊંચાઈઓને પાર કરી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, સદભાવનાના ઉપવાસથી મારે ડંકાની ચોટ પર આ વાતને વધારે ઘૂંટવી છે. પ્રત્યેક ગુજરાતીએ જે સાક્ષાત્કાર કર્યો છે એને મારે વધુ દ્રઢ બનાવવો છે. અને હિન્દુસ્તાન ભરના લોકો જેમને ગુજરાતની પ્રગતિનું અચરજ છે એમને સમજાવવું છે કે આ પ્રગતિના મૂળમાં આ તાકાત છે, એને જ્યાં સુધી નહીં સમજો ત્યાં સુધી તમે ગુજરાતની નકલ કરીને કંઈ કાઢી નહીં શકો. નહીં તો ઘણા બધા રાજ્યો આવે છે, આપણે દર અઠવાડિયે કોઈને કોઈ રાજ્ય આવે છે આ યોજનાનો અભ્યાસ કરવા, પેલી યોજનાનો અભ્યાસ કરવા, આનો અભ્યાસ કરવા માટે ધારાસભ્યોના ડેલિગેશન આવે છે. એ બધું ઉપર ઉપરનું જોઈને જાય છે પણ એમને ખબર જ નથી પડતી થાય છે કેવી રીતે. નહીં તો એ જ મશીનરી, એ જ માણસો, બધું એનું એ છે, તો એ થવા માંડ્યું ભાઈઓ. કારણ પ્રજાએ સાથે મળીને કામ કરવાનું નક્કી કર્યું, કોઈ પણ વાદ વિવાદ વિખવાદમાંથી પરે આવીને આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું. ભાઈઓ બહેનો, આજે દેશની હાલત ખૂબ ચિંતાજનક છે. મિત્રો, આઝાદી પછી આટલા ખરાબ દિવસ આ દેશે ક્યારેય જોયા નથી. એટલા ખરાબ દિવસોમાંથી આ દેશ પસાર થઈ રહ્યો છે. આપ વિચાર કરો, પાર્લામેન્ટ કેવી થઈ આ વખતે, કોઈ માલિક જ નહીં એનો, બોલો, રણી ધણી જ નહીં. સરકાર જાણે એવું કામ કરે જાણે વિરોધ પક્ષમાં બેઠી હોય, આવું ક્યારેય બન્યું નથી મિત્રો.
सरकारी पक्ष ये जे कायदो लेने आवे पसार करवा माटे गंभीर ना होय आवु दृश्य क्यारे बन्यु नथी। मित्रों पहली बार हिंदुस्तानी पार्लामेंट एनु मान सम्मान गरिमा शासन में बैठेला लोकोए चकनाचूर करी नाखी। मित्रों आनाथी वधारे हिंदुस्तानी लोकतंत्र कोई कालो दिवस न हो। प्रवृत्ति करवानी मात्र तड़जोड़ राजकारण कर्या करवानू अने विचार करो जे लोग सरकार में बैठा है एमना पोताना साथियों ने विश्वास में न लई शक्या अने जे लोग सरकार में साथियों छे ए पाछा छोड़वा तैयार नहीं। खुर्शीनो पायो तो पकड़ी राखवानो एक एवा प्रकारनी अनैतिकतानु वातावरण लोकशाही ने टूपो देनारु वातावरण आज दिल्ली में जोवा मळे छे। आखू वहीवटी तंत्र ने लकवो मारी गयो भाई कोई काम न थतु दिल्ली में। विचार करो आप अपने अहीं गुजरात में क्या रेलवे ना पाटा ऊपर थी कोई पुल बनावानो होय बे बाजू काम थई गयो होय एमने फुर्सत ज नथी आपणो फोन पड़वानी फाइल जोवानी केम बधा बेसी गया छे। आवडो मोटो देश काई पण कर्या वगर बेसी रहे आ हिंदुस्तान नु थशे शुं एनो आप अंदाज करी शको छो भाईओ। अने नीतिओ केवी नीतिओ समाज नु भलू करे भी नहीं। अहीं खेडूतोना नामे कांगा रोड करे छे ना बधा कांगा रोड करे छे पैसे थी जात जात बधुं करावे बधुं प्रचार प्रसार बराबर करे रूपिया पैसा बराबर वापरे खेडूतोना नामे वातो करे आ खेडूतोने खातर आपवानी जवाबदारी कोनी दिल्लीनी सरकारनी खातरना कारखाना कोना दिल्लीनी सरकारना खातरनी अंदर आखी जवाबदारी भारत सरकारनी। सात वर्ष थी बेटा जे सात वर्ष थी आ लोको एक किलो वधु खातर पैदा नहीं कर्यु बोलो एक किलो वधु खातर पैदा नहीं कर्यु अने खातर पहुंचाड़वू नहीं खातर ना भाव बेफाम वधारवा अने अहींया सरघसो काढवाना खेडूत नामे गुजरात तो खेडूत काली मजूरी करीने कॉटन नी खेती करे कपास उगवे ए कपास विदेश में जाए विदेश में जाए गुजरात ना खेडूत ने पूरता पैसा मळता था। आमना पेट में शू दुख्यू के कपास नी निकास पर प्रतिबंध मुकी दीधो बोलो। हवे समझातो नथी के मानो कपास नी निकास थई होय तो कोई भूखे मरवानुं हतुं भाई घऊं के चोखा के खाण के एनी के निकास थई जाय तकलीफ पड़े हूँ समझू छु भाई। चलो कपास में तो लाभ ज हतो पर रोकी दीधो बोलो अने पछी पछी टुकड़े टुकड़े परमिट आपवानुं नक्की कर्युं परमिट राज लाव्या तो एमां कॉटन नी निकास करो तो तमारे पैसा चूकवाना सरकार ने ड्यूटी आपवानी। आ देश नी विशेषता जुओ तमे मटन नी निकास करो तो सरकार सबसिडी आपे अने कॉटन नी निकास करो तो सरकार दंड वसूल करे। हवे मटन वेचवा वाला मदद थाय कॉटन वेचवा वाला न थाय एवी कई तमारी नीतिओ छे भाई एवं कयु तमे देश नु भलू करवा निकळ्या छो। आ प्रवृत्ति चाले छे कोई नू भलू थाय एने पेरवी नथी। तमे विचार करो पहला आ अनामतना कारणे एना झगड़ाओ जे थया आंदोलनो थया केवा केवा राजकारण चाले छे आपणे बधाने खबर छे ने एक गाम नी अंदर बबे भाग पड़ी गया एवा दिवस आपणे जोया था ने मांड करीने बधुं ठाळे पड्युं हतुं जेने जेटली अनामत मळी थी मळी गई बधा लोको एने स्वीकारी लीधी अने सुखेथी बधुं चालतुं हतुं चालतुं हतुं नहोतुं चालतुं भाई एमने थयुं के हवे आ सुखेथी चाले तांबडो रोटलो नहीं शेकाय एटले एवो धबाग लईने पथरो मार्यो छे बधुं हलाई नाख्युं बोलो। आ बक्षी पंचना भाईओ आटला बधा कमिशनो बैठा अंदर आर्थिक सामाजिक रीते जेटला पछात लोको होय
एने बक्षी पंचना समावम आया एम हिंदू पण छे मुसलमान पण छे क्रिश्चियन पण छे बधा छे पारसी पण छे बधा जो को छे आर्थिक सामाजिक पछात लोग है बधा लोग छे एमा अने बधा माटे 27% नी अनामत हती अने एमना लाभ मळता ने बधुं चालतुं हतुं अचानक एम भेद कर्यो बोलो हिंदू पछात जुदा ने मुसलमान पछात जुदा बोलो आमना 4.5% जुदा ने आमना 27% कापी नाखो हवे थवानुं शुं आ बक्षीपंचना समाजो जे मांड करीने भणता थया छे ठाकोर समाज में छोकरा हवे भणवा माड्या कारण एमने आशा बंधाणी कोई कई थशे रमारी समाज में छोकरा भणवा माड्या एमने थयुं कई थशे एकदम थईने काले कातर फेरवी नाखी आ लोको तमे विचार करो आ प्रकारने पाप करीने शुं करशे आ लोको भाईओ बहनों बंधारणना गड़बैयाओए जेमणे बंधारण बनाव्युं हतुं एमने स्पष्ट चर्चा करी थी एवं नहीं कि अंधारा में एमने कहू तो भारत ने एक राखवो हो तो क्यारे धर्मना नामे कोई अनामत न आपता आजादी ना लड़वैया ने जे लोग होता ए लोग बंधारण सभा में बैठा था विद्वान लोग बैठा था गांधी विचार ने भरेला लोग बैठा था पंडित नेहरू साथे भक्ति करनारा लोग बैठा था पंडित नेहरू सहित बधा लोग कहू तो कि धर्मना नामे अनामत न होवी जोईए मात्र वोट मेळवा माटे विकासनो रस्तो अपनावाने बदले धर्मना नामे आ प्रकारनी व्यवस्था उभी करवानो एणे पाप कर्युं छे हिंदुस्तान ने न कल्पी शको एटलुं नुकसान थवानुं छे एनी सामे जागवुं पड़े भाईओ एमनो रस्तो छे भागला पड़ो ने राज करो अमारो रस्तो छे सौनो साथ सौनो विकास सीधो फरक देखाय एमने जुठाणा चलावा छे अमारे सत्यनी धराहर पर चलवू छे एमने बातोना वड़ा करवा छे लोकोने उश्केरवा छे अमारे विकासना रस्ते चालवू छे अने विकासना मार्ग पर लोकोने मदद करवी छे पर भाईओ बहेनो एमने करवू नथी गुजरात ने बर्बाद करवाना कारसा चाली रह्या छे अने तड़फड़ाटी छे जेम पाणी वगर माछली तड़फड़े ने एम खुर्शी वगर एवो तड़फड़ाट उभो थयो छे हमणा तो वाणी पर कोई संयम नहीं अनाप शनाप भाषा वपराय अने कोई एम मानतु हो आ बधु बोली तालियों पड़ावाय छे एनाथी समाज जीवन क्यारे स्वीकारतो नथी होतो मित्रों समाज जीवन में दूधनु दूध अने पाणीनु पाणी करवानो निरक्षीर विवेक पड़ो होय छे छापा में कदाच एमने जगह मळती हशे लोकोना दिल में क्यारे जगह मळवानी नथी भाइयों बहनों सद्भावना द्वारा शांति एकता भाईचारा ने बात लईने आपणे आगळ धपवा मांगीए छीए मित्र बधी समस्याओनुं समाधान एक ज छे विकास भूतकाळनी अंदर एंजीनियरिंग कॉलेज में एडिशन माटे झगड़ा केम थता था समणो एम के जो अमारो अग जतो रह्यो अमने एडमिशन ना मळ्यो अमारो छोकरो एंजीनियर थतो रही गयो कारण 13,000 बैठको हती तो झगड़ा थाय ज ने आपणे साहेब 90,000 करी नाखी कोई झगड़ो ज नहीं बधाने थाय लो ने मारो छोकरो एंजीनियर थई जशे भाई एवुं करो ने कई पण ना एमने तो तड़ा पाड़वा टुकड़ा पाड़वा लड़ावा एना सिवाय कोई रस नथी अमारे एकता करवी छे एमने विभाजन करवू छे भाईओ बहनो आ सद्भावना मिशन गुजरात नी एकता ने वधारे मजबूत करवा माटे छे आ सद्भावना मिशन शांति अने भाईचाराना माहौल ने वधारे प्रभावी करवा माटे छे आ सद्भावना मिशन हिंदुस्तान भरना लोकोना वात पहोंचाडवा माटे छे के गुजरात नी प्रगतिना मूळमां कई ताकात पड़ी छे एक नवो विश्वास पैदा करवो छे ए नवो विश्वास पैदा करवानी मथामणना भाग रूपे आ सद्भावना मिशन नो कार्यक्रम चाल्यो छे आज अहींया 3,500 जेटला गरीब बीपीएल परिवारना लोकोने आ शियाळानी कड़कड़ती ठाड़मां काम आवे एवा खूब सरस मजाना धाबड़ा पनू अने सौभाग्य मळ्यो लोक भागीदारी द्वारा जेमणे आमां मदद करी छे सौनो हूँ आभार मानु छु अने वहीवटी तंत्र ने अभिनंदन आपू छु
કે એક માનવતાનું કામ અને સદભાવના મિશનના કાર્યક્રમ નિમિત્તે કર્યું છે. મને આ કહ્યું કે આજે ગામોગામ આંગણવાડીમાં બાળકોને મધ્યાહન ભોજનમાં તિથિ ભોજન દ્વારા ગામના લોકોએ ખૂબ સરસ મજાનું ભોજન જમાડ્યું છે. ભલે હું ઉપવાસ કરું પણ આ ઉપવાસ નિમિત્તે નાના નાના ભૂલકાઓને ભોજન મળ્યું અને ગામ તરફથી મળ્યું. આખા ગાંધીનગર જિલ્લામાં એ પણ એક પ્રેરક ઘટના છે. એના માટે પણ નાગરિકો જે આગળ આવ્યા, ગામના ભૂલકાઓને યાદ કર્યા, એમને પણ અભિનંદન આપું છું. ભાઈઓ બહેનો, મારે મના સદભાવનાનો કાર્યક્રમ એક અનેરો પ્રેરક કાર્યક્રમ મળ્યો છે. હજારો લોકો જોડે જ્યારે હસ્તધૂનન કરતો હોઉં છું ને, માતાઓ બહેનો આશીર્વાદ આપે છે. જેમને રાજકારણની કાંઈ ખબર ન હોય, સત્તા શું છે, મુખ્યમંત્રી શું, કાંઈ ખબર ન હોય, એવી માજીઓ આવીને ઓવારણા લઈને આશીર્વાદ આપે, ભાઈઓ બહેનો, એનાથી જીવનમાં બીજું ભાગ્ય કયું હોય શકે. એક નવો શક્તિનો સંચાર થઈ રહ્યો છે અને આ આશીર્વાદને કારણે મળેલી જે શક્તિ છે એની પર મારો કોઈ હક નથી, એની પર હક આપનો છે. એ આપના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું, આપના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આ મંત્રને આગળ ધપાવીએ, ગામો ગામ એકતાનું વાતાવરણ બનાવીએ, વિકાસને માટે થઈને એકતા આ મંત્ર લઈને ચાલીએ અને આપ જોજો આપના ગામમાં પણ કેવી પ્રગતિ થાય છે. એકાદ બે તકલીફ આપે એવા લોકો હમણાં હાથ પગ જોડીને કહો ભાઈ હમણાં શાંતિ રાખો, ત્યાં પેલી યાત્રામાં જાઓ કે ત્યાં તમને ફાવશે, મોકલી આપો, ગામ ચોખ્ખું કરી નાખો, ગામ ચોખ્ખું કરી નાખો. ભાઈઓ બહેનો, આવો ગુજરાતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈએ. આપણે આપણે સંસ્કાર વારસાને ન ભૂલીએ, આપણા વાણી સંયમને ન ભૂલીએ, ગરીબમાં ગરીબ માનવીનું ભલું કરવાના સંકલ્પ સાથે આગળ વધીએ, એ જ અપેક્ષા સાથે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. જે લોકોએ મારી જોડે ઉપવાસ કર્યા છે, અનેક લોકોએ મને એવું પણ કહ્યું કે હું તો અહીંયા પાણી પીતો હતો, પણ કેટલાક લોકોએ તો નિર્જળા ઉપવાસ કર્યા છે, પાણી સુધા પીધું નથી. પૂજ્ય સંતો પણ સવારથી અહીંયા બિરાજમાન છે. મિત્રો, મારો કાર્યક્રમ પૂરો થાય છે પરંતુ મારા ઉપવાસ પૂરા નથી થતા. મારા ઉપવાસ આવતીકાલે સવારે પૂરા થશે, પણ હું પારણા નથી કરતો એના કારણે અનેક લોકો પારણા નથી કરતા હોતા. અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉપવાસ પર બેઠા છે, નાના નાના બાળકો પણ બેઠા છે. બે ત્રણ જગ્યાએ મને એવું થયું કે એ બાળકોએ કાર્યક્રમ પત્યા પછી પણ કંઈ લીધું નહીં. છેલ્લે મારે બાળકોનો સંપર્ક કરવો પડ્યો, મારે એમને સમજાવવા પડ્યા. તેથી મારી વિનંતી છે કે આપ આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી, આ કાર્યક્રમ જાહેર થયા પછી આપ જ્યારે ઘરે જઈને પારણા જરૂર કરી લેજો. આપ આવતીકાલ સવાર સુધી રાહ ન જોતા, આટલી મારી વિનંતી છે. બીજી એક બાબત, સદભાવના મિશન નિમિત્તે જ્યારે માણસા આવ્યો છું ત્યારે, ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવ્યો છું ત્યારે અને વિકાસની વાત લઈને નીકળ્યો છું ત્યારે, ભાઈઓ બહેનો, આગામી આયોજનમાં ગાંધીનગર જેવડા નાનકડા જિલ્લા માટે 812 કરોડ રૂપિયાના કામો મેં નક્કી કર્યા છે. 812 કરોડ રૂપિયા, આ 812 કરોડ રૂપિયાની અંદર પ્રાથમિકતા છે પાણી પહોંચાડવાની, ખેતી માટે પાણી પહોંચાડવાની, રસ્તાઓ સારા કરવા માટેની, તળાવોની ચિંતા કરવાની, શાળાના ઓરડાઓ સુદૃઢ કરવાની, આવા જેટલા પણ વિકાસના નાના મોટા કામો છે એ બધા કામો માટે થઈને આજે 812 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ આપના જિલ્લાને આપીને જાઉં છું. ભાઈઓ બહેનો, ભૂતકાળમાં ગુજરાત સરકારનું આખું બજેટ 800 કરોડ નહોતું. આજે આ એક કાર્યક્રમમાં 812 કરોડ રૂપિયાની આપ સૌને માટે આયોજનની રચનાની જાહેરાત કરીને આપણે સૌ આ પ્રગતિનો લાભ લઈએ, એ જ અપેક્ષા. જય જય ગરવી ગુજરાત.